ईयर 2020 बॉलीवुड इंडस्ट्री में भले ही अक्षय कुमार के नाम रहा हो, उनकी मैक्सिमम फिल्में बनकर तैयार हुई है, अगले दो साल के लिए वो बहुत बिजी है या फिर बहुत बड़े डोनेशन देने की ही बात हो, इस साल में अक्षय कुमार की काफ़ी चर्चाएं रही है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो साल है इसके अंत में सबसे बड़ी बाजी सलमान खान ने मार ली है। यानी कि 2020 ईयर भले ही अक्षय कुमार का रहा हो, लेकिन ईयर एंड सलमान खान ने अपने नाम कर लिया है। इसके पीछे कारण है सलमान खान की मार्केट वैल्यू। जी हाँ, सलमान खान को हाल ही में अपनी एक फिल्म के लिए मार्केट से बहुत बड़ा दाम मिला है। 230 करोड़ रुपए में सलमान खान की राधे के राइट्स बिके हैं। इस फिल्म को जी ने लिया है, जी ही इस फिल्म को आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इनिशियली खबरें ये थी कि सलमान खान जो है अपनी राधे फिल्म को यशराज के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, लेकिन कोविड बीच में आ गया और बहुत सारे चेंजेस हुए, जिसके तहत अब ये डील हुई है कि जी ही सलमान की राधे फिल्म को रिलीज करेगा। 230 करोड़ रुपए में सलमान खान की राधे फिल्म के डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और म्यूजिक राइट्स तीनों जी के पास चले गए हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोविड टाइम में बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये सबसे बड़ी डील हुई है। पूरे साल सलमान खान की इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को लेकर चर्चाएं चलती रही। काफी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से सलमान खान का डिस्कशन और मीटिंग्स चली, लेकिन फाइनली जी के साथ ये डील फाइनलाइज हुई है। जी को लगा कि सलमान खान पर पैसा इन्वेस्ट करना नुकसान का काम नहीं है, क्योंकि सलमान खान की जो स्टारडम है उस हिसाब से एक सर्टेन वैल्यू है जो सलमान खान की फिल्में जो है ओपनिंग वीक में ही कमा लेती है। ऐसे में सलमान की फिल्मों से नुकसान कम ही होता है। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म अच्छा नहीं करे, लेकिन सलमान, शाहरुख, अक्षय, अजय ये वो स्टार्स हैं जिनकी फिल्में रिलीज होने के 3 दिन में ही, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे में ही फिल्म की लागत निकाल लेती है। एक्चुअली जी के साथ सलमान की एक फिल्म नहीं बल्कि दो फिल्मों की डील हुई है। एक फिल्म तो खुद सलमान खान की है और दूसरी फिल्म सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस की है, जिसमें पंकज त्रिपाठी लीड एक्टर के रूप में काम कर रहे हैं और सतीश कौशिक ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। कागज नाम की ये जो फिल्म है ये भी अब जी पर ही रिलीज होगी। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि सलमान खान के जी के साथ रिश्ते कॉन्स्टेंटली अच्छे रहे हैं। सलमान खान की बड़ी बड़ी फिल्में जी ने ही डिस्ट्रीब्यूट की है, जैसे कि रेस 3, भारत और दबंग 3। इस फिल्म में सलमान के अलावा दिशा पटानी, जैकी श्रॉफ और रणदीप हुडा भी है। ये फिल्म कोरियन फिल्म द आउटलॉज का ऑफिशियल रीमेक है। तो कुछ इस तरह से सलमान खान ने 2020 में बस क्रिएट किया है, पूरे साल काम करते रहे और एंड में ये धमाका किया है। सबसे महंगी सलमान खान की फिल्म ही बिकी है कोविड टाइम्स में। एक नया रिकॉर्ड सलमान खान के नाम बन गया है।